दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2016 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस सेशन में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में यानी कि 3 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चन वर फ्रॉम पार्ट सी, दोज वर ऑफ मार्क्स 4.75। सो द ओवरऑल वीटेज वॉज 20.25। क्वेश्चन पेपर काफ़ी मॉडरेट है, कॉन्सेप्चुअल है, कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, लेकिन अगर आप चीज़ें पढ़ के गए हो तो इजीली सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज जीरो इज हाइपरबोलिक इलिप्टिक, हाइपरबोलिक इलिप्टिक। So they are asking the classification of this partial differential equation based on the values of x and y. So अगर आप b की value देखो तो b value will be 0. b represent the coefficient of the term del 2u upon del x del y. So this is 0. a value is x. This is the coefficient of del 2u upon del x2. And c coefficient of del 2u upon del y2. b square minus 4ac. अगर इसको कंप्यूट करेंगे तो बी स्क्वायर इज जीरो माइनस फोर टाइम ए सी तो फोर एक्स वाई। सो दिस इज क्लियरली, दिस इज पॉजिटिव इफ एक्स इंटू वाई इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव इफ एक्स इंटू वाई इज पॉजिटिव। इसका मतलब है अगर एक्स और वाई दोनों अपोजिट साइन में अपियर हो रहे हैं देन इट इज ऑलवेज going to be positive. So it is hyperbolic if x into y is negative and it is elliptic if x into y is positive. So come to the option. Option A, when x is positive, y is negative. That means x and y appearing with negative term, appearing with opposite sign, then it must be hyperbolic. So option A is correct and single correct hai, toh baaki saare ke saare false ho jayenge. Verify bhi kar sakte ho. Option B, x positive, y negative. So it is hyperbolic. X पॉजिटिव Y पॉजिटिव अगर दोनों सेम साइन के होंगे देन इट इज इलिप्टिक। सो ऑप्शन सी फॉल्स, ऑप्शन डी फॉल्स बिकॉज X एंड Y आर इन अपोजिट साइन इन ऑप्शन डी। सो A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं ट्राई करता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊँ, फॉर्मूला बेस्ड आपको चीज़ें थोड़ी सी कम बताऊं, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहीं बताऊंगा, अदरवाइज मैं चीज़ों को बेसिक से ही कराऊंगा ताकि आपको उनके पीछे की चीज़ें भी समझ में आए। लेट यू एक्स टी सेटिस्फाई द इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, सो इट इज मिक्स कंडीशन इनिशियल एंड बाउंड्री, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू वेयर एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, टी इज पॉजिटिव and u at 0 comma t is equal to u at 1 comma t is 0, u at 0 comma u at x comma 0 is equal to sin pi x where x is close 0 to 1 and this is for t positive. They are asking the value of u at point x comma 1 upon pi square. अगर आपको फॉर्मूला याद है हीट इक्वेशन का देन क्वेश्चन 3 या 4 लाइन में हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है तो भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आप हीट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल मेथड। सो अज्यूम करते हैं दिस सॉल्यूशन कैन बी सेपरेट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी। अगर एक्स और टी में सेपरेट होगा सो इट कैन बी रिटन एज एक्स इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल टी इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। सो अगर आप इसको पार्शियल डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू टी एंड दो बार पार्शियल डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इस इक्वेशन में पुट करो सो वी विल बी गेटिंग दिस इज एक्स टी डैश, दिस इज एक्स डबल डैश टी। सो दिस इज टी डैश बाय टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बिकॉज दिस इज योर टी वेरिएबल, दिस इज योर एक्स वेरिएबल एंड दिस टू क्वान्टिटीज आर बोथ ऑफ डिफरेंट वेरिएबल एंड बोथ आर सेम देन इट विल फोर्स दैट इट हैज टू बी इक्वल टू सम constant. So I am assuming this constant to be lambda. Now from here I will be having t dash minus lambda t is equal to 0,
x double dash minus lambda x is equal to 0. Now, according to our condition, we will take the values of lambda. Here, we have three choices for lambda. Lambda is positive, lambda is negative, and lambda is 0. क्या लैम्डा कभी जीरो होगा? अगर लैम्डा जीरो हुआ सो दिस एक्स विल रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइन. अगर ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो यू एक्स कॉमा जीरो कभी भी साइन पाई एक्स की टर्म नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो एक्स है वो सिर्फ इस वाले में आएगा, तो यहाँ से आप कभी भी साइन एक्स नहीं बना पाओगे. अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ, सपोज अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो जो ये सॉल्यूशन बनेंगे दो सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म एक्सपोनेंशियल, तो वो कभी भी साइन पाई एक्स आपको नहीं देंगे. सो दिस बाउंड्री कंडीशन विल फोर्स दैट दिस लैम्डा मस्ट बी नेगेटिव. अगर ये लैम्डा नेगेटिव है सो लैम्डा कैन बी रिप्रेजेंटेड माइनस के स्क्वायर, वेयर के इज अ सम नॉन जीरो रियल नंबर. सो फॉर दिस वी कैन सॉल्व. सो इन दिस केस अवर सॉल्यूशन विल बी यू एक्स कॉमा टी विल बी, अगर आप एक्स को सॉल्व करोगे सो दिस विल बी सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स. दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ एक्स. एंड टी के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो टी डैश इज इक्वल टू लैम्डा टी. तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो टी विल बी कॉन्स्टेंट टाइम ई पावर लैम्डा टी, बिकॉज दिस इज सिंपल ओ डी. सो दिस इज से सी थ्री टाइम ई पावर लैम्डा, लैम्डा इज माइनस के के स्क्वायर टी. दिस इज अवर सॉल्यूशन. नाउ यू कैन मेक वन थिंग, अगर आप इस सी थ्री का इन कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो नए कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, तो आप नए कॉन्स्टेंट को दोबारा से सी वन सी टू मान लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. So you can remove this constant from here. Now we have u at 0 comma t. So it will be x at 0 comma t comma t at t, and this is equal to 0. And this condition holds for every t positive. तो यहाँ से या तो ये कॉन्स्टेंट जीरो होगा या फिर ये फंक्शन जीरो होगा. अगर ये फंक्शन जीरो हो गया सो दिस फंक्शन विल वैनिश थ्रू आउट. अगर ये फंक्शन थ्रू आउट जीरो हो गया तो योर u विल बी वैनिशिंग फॉर होल एक्स एंड टी. बट अगर ये हो गया तो आपका यू आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा. अगर यू आइडेंटिकल जीरो हो जाएगा तो इस टाइप की बाउंड्री कंडीशन कभी भी नहीं आएगी. सॉरी दिस इज इनिशियल कंडीशन नॉट बाउंड्री. सो इस टाइप की इनिशियल कंडीशन आप कभी भी नहीं बना पाओगे अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया. सो दिस कंडीशन विल फोर्स एक्स एट जीरो विल बी जीरो. अगर एक्स जीरो पर जीरो हुआ सो एक्स जीरो पर पुट करोगे तो दिस इज जीरो. फ्रॉम हियर आई विल बी गेटिंग सी वन इज जीरो. दिस विल फोर्स दिस सी वन इज जीरो. अगर सी वन जीरो हो गया तो आपका जो सॉल्यूशन होगा दिस सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म यू एक्स टी इज इक्वल टू सी टू साइन के एक्स ई पावर माइनस ऑफ के स्क्वायर टी. दिस विल बी द सॉल्यूशन. नाउ यू एट वन कॉमा टी इज जीरो. अगर वन पुट करोगे और टी को टी पुट करोगे तो यू विल बी गेटिंग सी टू साइन के e पावर माइनस के स्क्वायर टी इज जीरो. एक्सपोनेंशियल इज नेवर जीरो. आइदर सी टू जीरो और साइन के जीरो. अगर सी टू जीरो हुआ सो दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी आइडेंटिकली जीरो सॉल्यूशन विच इज नॉट नीडेड हियर. सो दिस विल फोर्स दिस साइन के इज जीरो. दैट इज वन सेकेंड आई एम जस्ट मेकिंग सम मिस्टेक आई थिंक. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस के विल बी एन पाई, वेयर एन इज वेयरिंग ओवर नेचुरल नंबर एंड एन कैन नॉट बी जीरो सिंस योर के इज नॉन जीरो रियल नंबर. सो यू कैन नॉट टेक एन टू बी जीरो. सो दिस एन इज एन इंटीजर, यू कैन टेक एज एन इंटीजर. नाउ वी हैव के, देन वी हैव एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन. ये सारी चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ. आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए अच्छे तरीके से. k की वैल्यू n पाई. सो योर सॉल्यूशन विल बी एंड k को अगर आप n में पुट कर रहे हो तो आप c को cn लिख सकते हो. cn साइन n पाई x e पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t. दिस इज अवर सॉल्यूशन एंड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सो आई कैन ऐड देम टुगेदर टू गेट द required solution. So I am taking sum where n is running from 1 to infinity because I have infinitely many constants cn. So this is my required solution. Now we can apply this condition to get this solution by using Fourier transformation or Fourier series. So u at x comma 0, agar t ki value 0 put karoge to I will be having n is equal to 1 to infinity cn sin
n pi x is equal to sin pi x. So we have two methods to solve this, either by using Fourier series or by direct comparing method. And comparing method से जो आपको constant मिलेंगे वो भी हमेशा same होंगे because this function has unique Fourier series. तो दो method है, या तो आप इसमें sin pi x का multiply करो, sin pi x का multiply करते ही integration कर दो जो आपको domain given है. Domain given आपको 0 to 1. तो या तो आप sin pi x से multiply करो और integrate करो 0 to pi, तब आपके पास cn आ जाएंगे. And there we have to use this sin x, sin 2x, sin 3x, all are orthogonal function. And orthogonality with respect to the integral inner product. So I hope कि आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपको ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे. And one method is आप directly compare कर लो. अगर आप इसको expand करोगे और compare करोगे तो आपके पास सिर्फ आएगा C1 value is 1 and rest CN are 0. क्योंकि अगर कोई भी CN नॉन जीरो हुआ तो ये कंडीशन कभी होल्ड नहीं होगी. सो बाय कंपेयरिंग यू विल बी गेटिंग C1 इज 1, CN इज 0 फॉर एवरी n इज बिगर देन 1. सो अवर फाइनल सॉल्यूशन विल बी C1 को 1 पुट कर दो, बाकी के सारे 0. सो साइन n की वैल्यू 1, तो पाई x e की पावर n की वैल्यू 1 माइनस के पाई स्क्वायर t. दिस इज अवर रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन. दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ u एट पॉइंट x, 1/π. t की जगह 1/π पुट करोगे तो यहाँ से 1/π स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा साइन पाई एक्स इंटू e की पावर माइनस 1. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो भी आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो और कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बट इसके सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है. Consider the wave equation for uxt, utt बराबर uxx. X is running over r and t is running over 0 to infinity. So this is infinite length wave equation. This is the simplest wave equation you can say to solve. So we can use the Dlmbit formula, and this formula is the easiest formula of the partial differential equation you can say. By T Alembert's formula for infinite length wave equation. We have given u at x comma 0 is fx and ut at x comma 0 is gx. So this formula will be uxt will be 1/2 f of x plus ct, but c ki value yahan par 1 hai. So x plus t minus f of x minus t plus 1/2 c ki value 1 hai. So integration x minus ct, c ki value 1, x plus ct, c ki value 1, g of s ds. This is the formula for infinite length wave equation. Now the question is saying let ui be the solution of the above problem with f is equal to fi, g is equal to gi. So put subscript i here, where I is either 1 or 2, where fi and gi both are C2 function, that means both twice continuously differentiable. Satisfying F1 बराबर F2, G1 बराबर G2 ऑन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू. ऑप्शन ए पर अगर आप आओगे, सो U1 एट पॉइंट 0,1, अगर U1 एट 0,1 पे निकालोगे तो 1/2, और लेट मी राइट UI 1/2 fi 0,1 पर, सो इट विल बी 1 माइनस fi एट -1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 माइनस 1 करेंगे, सो -1 to 1 gi s ds. अगर आप i को 1,2 पुट करके तो यू विल बी गेटिंग सेम सॉल्यूशन बिकॉज योर f1 इज इक्वल टू f2,
and g1 is equal to g2 on this minus 1 to 1. So this 1 is inside this, this minus 1 inside this, this minus 1 to 1 interval is this. So आप यू आई निकालोगे 0.1 पॉइंट पर तो यू वन और यू टू दोनों सेम आएंगे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी यू वन एट 1.1 एंड यू टू एट 1.1. तो मैं यू आई निकालता हूँ. यू आई एट 1.1 इट विल बी 1/2 टाइम्स एफ ऑफ टू माइनस एफ एट जीरो एफ आई प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 जी आई एस डी एस. बट यहाँ पर u1 और u2 सेम नहीं होंगे क्योंकि f1 और f2 सेम है आपके सिर्फ इस इंटरवल पर. बट दिस टू पॉइंट इज नॉट इनसाइड दिस इंटरवल. दिस होल इंटीग्रेशन इज नॉट रनिंग ओवर दिस इंटरवल. सो u1 एंड u2 बोथ आर नॉट सेम एट 0.1.1. सिमिलरली अगर आप c चेक करोगे तो c ट्रू हो जाएगा. 1/2, 1/2 पॉइंट है तो वो पॉइंट लोगे तो यहाँ पर एफ आई 1 बनेगा, एफ आई 0 बनेगा. तो 1 और 0 दोनों इस इंटरवल के मेंबर है और यहाँ पर x माइनस t है तो 0 to 1 रन करेगा, वो भी हमेशा इस इंटरवल के ऊपर आ जाएगा. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट. बी एंड डी दोनों फॉल्स हो जाएंगे बाय यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले 5 करते हैं. 4 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देन उसके बाद 5 के बाद आते हैं उस पर. द कॉची प्रॉब्लम y डेल यू बाय डेल x माइनस के x डेल यू बाय डेल y. जीरो u इज इक्वल टू जीरो u इज इक्वल टू g ऑन द कर्व गामा. u इज इक्वल टू g ऑन, मैं इस तरीके से गामा बनाता हूँ, कुछ लोग इस टाइप से बनाते हैं तो वो ऐसे भी बना सकते हैं. सो u इज इक्वल टू g ऑन गामा हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इन अ नेबरहुड ऑफ गामा फॉर एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन g इफ. सो दिस कॉची प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द जैकोबियन फंक्शन इज नॉन जीरो एंड जैकोबियन इज डिफाइंड एज p एट पॉइंट p ओवर s q ओवर s डेल x नॉट बाय s डेल x नॉट s अपॉन डेल s डेल y नॉट अपॉन डेल s और s ऑफ डेल y नॉट ऑफ s अपॉन डेल s. अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो देन वी से दिस कॉची प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन. कुछ लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं p अपॉन डेल x नॉट अपॉन डेल s इज नॉट इक्वल टू q ऑफ q अपॉन डेल y नॉट अपॉन डेल s. बट इन दोनों का मीनिंग सेम है. अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है देन जैकोबियन इज गोइंग टू बी नॉन जीरो एंड दिस कॉची प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन. बट जो स्टैंडर्ड वे होता है वो जैकोबियन होता है. तो एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में जो आपको गामा गिवन है पॉजिटिव x एक्सिस गिवन है. तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन उठाओगे तो इसमें आप गामा को अज्यूम कर सकते हो. गामा इज, और गामा की जगह मैं लिखता हूँ इनिशियल पैरामीटराइजेशन. इनिशियल पैरामीटराइजेशन में जो गामा कर्व गिवन है एक्स कॉमा जीरो एंड यू आपका जी है. तो आपका जो इनिशियल पैरामीटराइजेशन होगा एक्स को एस अज्यूम कर लेते हैं, वाई को जीरो एंड यू को सम जी ऑफ एस अज्यूम कर लेते हैं वेयर एस इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वेरिएबल. चलिए पॉजिटिव वेरिएबल नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर. सो इन दिस योर जैकोबियन विल बी, देखिए ये जो पी ऑफ एस होता है दिस पी ऑफ एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स. सो दिस इज वाई एंड वाई आपका इनिशियल पैरामीटराइजेशन पे कितना है जीरो. क्यू माइनस एक्स एंड ये आपका इनिशियल पैरामीटराइजेशन पे एक्स की वैल्यू एस है. सो दिस इज माइनस टाइम एस डेल एक्स नॉट बाय डेल एस. दिस इज योर डेल एक्स नॉट. सो दिस इसका डिफरेंशिएट करोगे वन. y नॉट की वैल्यू इनिशियल पैरामीटराइजेशन में जीरो, इसको डेरिवेट करोगे तो जीरो. सो दिस विल बी दिस माइनस, सो दिस विल बी s एंड s इज पॉजिटिव. सो दिस इज नॉन जीरो. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. सो ऑन द गामा और ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस दिस कॉची प्रॉब्लम मस्ट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी पर आते हैं.
आपके इनिशियल पैरामीटराइजेशन चेंज होते जाएंगे, इनिशियल पैरामीटराइजेशन। अब आपके पास जो गामा कर्व है दैट इज अ यूनिट सर्कल, तो अगर आप एक्स को एस अज्यूम कर दो सो वाई विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एस स्क्वायर एंड यू इज जी ऑफ एस। यू कैन ऑब्जर्व आपको जी की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, सो योर जैकोबियन विल बी दिस वैल्यू इज वाई एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है प्लस माइनस वन माइनस एस स्क्वायर, क्यू ऑफ एस की वैल्यू माइनस एक्स एंड माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एस। डेल एक्स नॉट बाई डेल एस, इसको पार्शियली डेरीवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन, इसको करोगे सो माइनस ऑफ माइनस प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस के एस स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ एस, ये आपके पास आ जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट, अगर इसका डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, आई विल बी हैविंग माइनस ऑफ एस एंड प्लस ऑफ एस, सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो इसके पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं आती, आइदर इन्फिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यही केस बचेंगे। लेकिन जैकोबियन नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस इज वैनिशिंग, सो फॉर दिस कर्व दिस डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन सी को वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन डी को आप वेरीफाई करना, सी को मैं करता हूँ, डी को आप कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ आपको इनिशियल पैरामीटराइजेशन और जैकोबियन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सी में आपको कर्व गिवन है x, y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 1 और x इज बिगर देन 1, तो आपका जो इनिशियल पैरामीटराइजेशन है दैट विल बी x को s मान लेते हैं, y विल बी 1 माइनस s एंड u विल बी g ऑफ s ऑन द कर्व गामा। यहाँ पर जो जैकोबियन हो जाएगा, p की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो p वैल्यू इज y और y की यहाँ पर वैल्यू कितनी है ठीक है, वैसे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा एस नॉट कॉमा यू नॉट, इसको लिख सकते हो क्यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा यू नॉट। सो वाई की वैल्यू वन माइनस एस, एक्स की वैल्यू दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस ऑफ एस, एंड डेल एक्स नॉट करेंगे तो दिस इज वन, डेल वाई नॉट करेंगे दिस इज माइनस वन, सो दिस विल बी एस माइनस वन प्लस एस, सो दिस इज टू एस माइनस वन। नाउ वी हैव गिवन दैट your x is bigger than 1, so this s is bigger than 1, so this quantity is bigger than 1 because your s is bigger than 1, so this is never zero, hence this has unique solution, so option c, and similar argument for option d, you can check yahan par aapko jo gamma curve hai wo parabola pe run kar raha hai, y is equal to x square and x is bigger than 0, so option a and c will be correct for question number 5. Now let us come to the question number 4, that is important, you can say let u is a function defined from punctured R2 plane, punctured means कि आपने पूरा R2 plane लिया और origin को remove कर दिया, be a C2 function satisfying the Laplace equation u x x plus u y y is equal to 0 for all x y is not equal to 0, 0. They have given this u x y is a function of f of square root of x square plus y square, where f comma 0 to infinity to r is a non-constant function. Then देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है नेट वालों को प्रॉब्लम आए, लेकिन जो जैम की तैयारी करते हैं उनको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उन लोगों ने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बहुत अच्छे से पढ़ा होता है तो वो लोग, और वेक्टर कैलकुलस भी बहुत अच्छे से पढ़ा होता है तो वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, हो सकता है आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए। इसको सॉल्व करते हैं, अज्यूम करते हैं से एंड देर इज नो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन दे हैव गिवन टू अस, दे आर दस आस्किंग द वैल्यू ऑफ लिमिट x square plus y square is tending to 0, then mod of ux comma y, limit x square plus y square is tending to infinity, mod of ux comma y, so we have to find the limit, assume karte hain this x square plus y square say r, aur is pure ko r maan lete hain,
दिस इज आर, अगर स्क्वायर रूट रिमूव करोगे तो इट विल बी आर स्क्वायर. सो आई विल बी हैविंग दिस यू एक्स कॉमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ आर. नाउ आई कैन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x and y also. So I find the uxx and uyy. अगर मैं uxx find कर लूँगा so by using the symmetric property I will be having uyy, क्योंकि ये जो function है ये symmetric है in the x and y. So अगर आप ux निकालोगे so by using the property of derivative I will be having f dash r del r by del x by using chain rule. So f dash r, let it be f dash r एंड डेल आर बाई डेल एक्स. अगर आप डेल आर बाई डेल एक्स निकालोगे सो ये आप देख सकते हो दिस इज वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में एंड टू एक्स. सो इट विल बी एक्स बाय आर. सो दिस इज एक्स बाय आर. नाउ कैन फाइंड द यू एक्स एक्स बाय यूजिंग चेन रूल. सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स इन टू एफ डैश आर अपॉन आर. सो पहले x को कर लेते हैं f डैश r अपॉन r प्लस x को रोकते हैं. अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा सो आई विल बी हैविंग f डैश r अपॉन r. अगर इसको करेंगे सो दिस इज r स्क्वायर, यहाँ r को रोकते हैं f डबल डैश r माइनस f डैश r को रोकते हैं r का करेंगे तो 1 एंड इन टू में साथ में डेल आर बाई डेल एक्स भी आएगा. अगर डेल आर बाई डेल एक्स निकालोगे तो एक्स बाई आर. सो दिस इज एक्स बाय आर. सो आई विल बी हैविंग दिस वन. ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल बिकॉज दिस आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स ऑल्सो. सो इसको अगर आप ओपन करोगे सो दिस इज एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर आर एफ डबल डैश एट आर माइनस एफ डैश एट आर अपॉन आर क्यूब हियर आई शुड हैव रिटन ब्रैकेट. नाउ दिस इज करेक्ट. नाउ दिस इज यू एक्स एक्स. सिमिलर वे आई कैन फाइंड द यू वाई वाई. तो यू वाई वाई विल बी एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर आर एफ डैश एफ डबल डैश माइनस के एफ सिंगल डैश अपॉन आर क्यूब. दिस विल बी यू वाई वाई. नाउ आई कैन पुट इन दिस इक्वेशन. इफ आई पुट इन दिस इक्वेशन आई विल बी गेटिंग, मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज जीरो. सो इट विल गिव मी एफ डैश आर बाय आर प्लस एफ डैश आर बाय आर. सो दिस इज टू टाइम्स एफ डैश आर बाय आर प्लस, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो आर एफ डबल आर डबल डैश एफ माइनस के एफ डैश अपॉन आर क्यूब इज कॉमन. सो आर डबल डैश एफ एफ डबल डैश माइनस के एफ सिंगल डैश दिस इज कॉमन, आर क्यूब इज कॉमन एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो इट विल गिव मी एफ टू एफ डैश आर अपॉन आर प्लस दिस इज आर स्क्वायर. तो यहाँ से एक आर कट जाएगा तो आई विल बी हैविंग आर एफ डबल डैश माइनस के एफ डैश अपॉन आर, क्योंकि आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो आई विल बी हैविंग आर इन द लोअर टर्म. सो अगर आपके पास ये आ जाएगा इसको ओपन करोगे तो एफ डबल डैश माइनस के एफ डैश बाई आर, तो टू एफ डैश बाई आर माइनस के एफ डैश बाई आर. सो आई विल बी हैविंग एफ डैश आर बाय आर प्लस के एफ डबल डैश एट आर. आई हैव दिस, इसको यू इसको नोट करो. सॉल्व करते हैं. I have f double dash r plus f dash r by r. I can multiply with r and this I can apply because your r is non-zero, because they have given this u is defined from r square minus 0, 0. So r f double dash r plus f dash r, or I can multiply with r square for simplification. अगर मैं r square से multiply करूँगा now I can use the कॉची आइलर फॉर्मूला. कॉची आइलर बिकॉज दिस इज ऑफ द फॉर्म कॉची आइलर इक्वेशन. सो जो आपकी कॉची आइलर होती है आप कुछ अगर इसको एक्स और वाई में ऑब्जर्व करोगे सो दिस इज एक्स स्क्वायर
डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम, यहाँ पर जीरो तो यहाँ जीरो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हो, x इज इक्वल टू ई पावर z, तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, r बराबर ई पावर t, एंड दिस इज वेल डिफाइंड बिकॉज योर r इज पॉजिटिव, ये भी आप तभी लिखते हो जब आपका x पॉजिटिव होता है, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप अगर x इज इक्वल टू ई पावर t लिखोगे तो आपके पास जो रिड्यूस इक्वेशन आएगी दैट विल बी f डबल डैश इन द वेरिएबल t, यहाँ से r का सिंगल वन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और f डबल डैश t विल बी जीरो, क्योंकि ये आपका रिमूव हो जाएगा और आगे वाले कोई टर्म है नहीं, सो f डबल डैश t विल बी जीरो, सो फ्रॉम हियर आई विल बी गेटिंग f इज इक्वल टू c1 t प्लस c2, दिस इज क्लियर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, वेरिएबल चेंज करते हैं, t की जगह पुट करते हैं log ऑफ r, सो c1 log ऑफ r प्लस c2, दिस इज c1 log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c2, नाउ दिस इज माय f फंक्शन, एंड वंस आई हैव f फंक्शन आई हैव कंप्लीटली माय सॉल्यूशन, u x कॉमा y इज इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, सॉरी वन सेकेंड, दिस इज f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो दिस इज योर f ऑफ r, अगर आप r की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पुट करोगे तो यू विल हैव f ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट, सो दिस इज c1 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c2, सो दिस इज माय सॉल्यूशन, सो दिस इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव, लेकिन जैम वाले इसको सॉल्व कर देते, नाउ कम टू द ऑप्शन, ऑप्शन ए, लिमिट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज टेंडिंग टू जीरो, u ऑफ x कॉमा y का मॉड इज गोइंग टू इन्फिनिटी, अगर आप ग्राफ देखोगे लॉग फंक्शन का, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, सो वी हैव दिस ग्राफ व्हेन बेस वैल्यू इज वन, सो दिस इज ग्राफ ऑफ लॉग ए एक्स व्हेन बेस इज बिगर देन वन, एंड दिस इज ग्राफ ऑफ लॉग एक्स व्हेन बेस वैल्यू इज लेस देन वन, तो यहाँ पर बेस गिवन नहीं है, सो वी कैन अज्यूम द बेस टू बी नेचुरल एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स ई, आप ई अज्यूम कर सकते हो, सो अवर ग्राफ विल वर्क, दिस विल बी द ग्राफ वी विल बी वर्किंग विद, सो दिस इज अवर सॉल्यूशन, एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टेंडिंग टू जीरो जीरो, सो दिस विल गो टू लॉग जीरो, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉग ऑफ जीरो इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी, बट दे आर आस्किंग द लिमिट ऑफ द मॉड ऑफ यू, सो मॉड विल चेंज दिस टू बी पॉजिटिव, सो दिस विल गो टू इन्फिनिटी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी फॉल्स, ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, सो लॉग ग्राफ इज गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, सो मॉड विल गो टू प्लस इन्फिनिटी, सो इट विल गो टू, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एंड यहाँ पर आप सी वन सी टू के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, अगर कंडीशन गिवन होती सो वी विल बी हैविंग अवर सी वन एंड सी टू एक्सप्लिसिटली, ऑप्शन डी विल बी फॉल्स, एस सी इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन आर ए एंड सी, सो दिस इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव और कुछ भी नहीं है इसमें, आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डू व्हाट्सअप मी ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस यू आर ऑलवेज वेलकम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन सीरीज.